तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ खुद? नहीं, तुम खुद दे, मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूं या नहीं हूं। ये देखो, ये देखो, एक तो बाहर इतनी गर्मी हो रखी है भाई, क्या बताऊं। अरे सूरज भाई क्या कर रहे हो? अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। जो भी हो, मैं इस किचन में गाड़ी तो नहीं खड़ाने वाला भाई, गाड़ी की माँ की आंख हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आगे कुछ जगह देख लो अच्छी सी। मुझे पता है जगह तो मिलने वाली नहीं है, बट फिर भी मैं श्योरिटी लेता हूँ कोई इस बात की कि हाँ, मैं गाड़ी कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगाऊंगा जहां मुझे किचड़ का सामना ना करना पड़े। एक बार पहले भी आया था, बहुत बहुत बहुत, उस दिन भी बारिश का दिन था, उस दिन भी किचड़ बहुत थी यहाँ पे। मैंने यहाँ तो नहीं लगाई थी, लेकिन यहीं कहीं घुसा दी थी किसी गाड़ी के पीछे। आज भी जगह देखनी पड़ेगी भैया, आगे जाके देखता हूँ एक बारी। एक्चुअली मैं हूँ 32 सेक्टर 32 हॉस्पिटल चंडीगढ़ में, और नॉर्मली पापा के साथ आया था किसी काम से। अरे पहले यहाँ पे पार्किंग लगा करती थी, जैसे यहाँ पे रस्सी लगा दिया ना, ये देखो बोर्ड लगा हुआ है, पहले यहाँ पे लगा करती थी गाड़ियाँ, बट अफसोस इन्होंने ये कर दिया क्योंकि यहाँ पे मोड़ने में दिक्कत आती है ना, इसलिए देखता हूँ आगे जाके कोई जगह मिलती है या नहीं। ये गाड़ी मैंने यहाँ लगा दिया उन गाड़ियों के पीछे, ताकि उस किचड़ में ना जाना पड़े। बट जितनी देर मेरे को अंदर लगेगी, अगर इस गाड़ी का ओनर आ गया तो वो चिल्लाएगा। लेकिन मैंने इसको हैंड ब्रेक नहीं लगाई है ताकि वो गाड़ी पीछे एडजस्ट कर सके। मैंने थोड़ा टायर का एंगल भी थोड़ा अंदर को कर दिया ताकि वो पीछे जब करे तो उस गाड़ी को ना लगे। तो इस तरह को अगर लगानी है तो देख के जाया करो भाई, वरना कल को बाद में अगर कोई ओनर आ गया ना गाड़ी वाला, तुमको पेलेगा भी बहुत और बोलेगा भी बहुत। मुझे नहीं पता, एक बार पहले भी जब मैं आया था ना, 2 हफ्ते पहले की बात है, बिल्कुल यही एंगल ही मिला था मेरे को, बिल्कुल यहीं पे गाड़ी लगाई थी मैंने। उस टाइम मैंने हैंड ब्रेक नहीं लगाई थी उस टाइम भी, बट थोड़ी गाड़ी पीछे चली गई थी। लेकिन आज मैंने उसी एंगल से खड़ाई ताकि बिना हैंड ब्रेक के गाड़ी पीछे ना जाए। इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यार, मेरे को लगता है उनसे बंदे खड़े हैं। चलते हैं ऊपर। पापा ऊपर चले गए हैं पहले ही, क्योंकि मैं उस साइड से आया था, वहाँ भी पार्किंग भी हो रहा है। अगर वहाँ पार्किंग मिलती तो मैं वहीं लगाता, बट वह नहीं मिली तो मैंने पापा को वहीं छोड़ दिया, वो ऊपर चले गए हैं। मैं भी उनके पास जा रहा हूँ, 1-2 घंटे शायद लगेंगे यहाँ पे। फिर मुझे कुछ काम भी है, बहलाना में जाना है मेरे को चंडीगढ़ में, वहाँ पर कुछ सामान लेना है कैंपिंग का, बताया था मैंने आपको। पहली बात गर्मी बहुत है, दूसरी बात इतना रश है लिफ्ट में, इतना रश है, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सीढ़ियों से पिछली बार गया था, थक जाता हूँ, सांस चढ़ता है, इसलिए मैं आज इससे जा रहा हूँ। अभी तीसरा फ्लोर आया है, ये 4th फ्लोर, अब इसके बाद 5वां। सांस इसमें भी चढ़ रहा है भाई। ये है बहलाना की फौजी मार्केट जिसको कहते हैं। मेरा ये कैंप की स्टिक्स टूट गई थी, एक ही है मेरे पास, तो मैं ये ले साथ लेके आया हूँ ताकि मैं उसको दिखा के ले सकूँ, यही चाहिए। भैया भैया को मैंने यूट्यूब पर देखा था, इनकी दुकान देखी थी बहलाना में, जो मैंने आपको बताया था, तो मैं स्पेशल आया हूँ उसे लेने के लिए। इन्होंने मेरे को लेस करके दिया जो दिया भैया, थैंक यू सो मच आपका। मैं लेस अगली बारी और कराऊंगा आपको, ये सामान दिए मैं जो दिखाऊंगा आपको घर पे दिखाऊंगा। और ये स्टिक जो मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए थी उन्होंने दे दिया, थैंक यू। मतलब भैया बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये हुआ ना तो दोबारा भी आएंगे, जैसे कार्ड भी ले लो और कस्टमर भी भेजेंगे। तो अपने को जो लेना था वो हो चुका है, और हॉस्पिटल से आ चुके हैं। पापा खुश हैं? पापा क्यों खुश हो आप? बिल्कुल, मेरी दवाई अब बंद हो गई है, डॉक्टर ने सुनाया कि आपकी दवाई बिल्कुल खत्म कर दी है, बस एक ही मेडिसिन दी है, है ना? हाँ जी, वो एक ही मेडिसिन दी है क्योंकि बीपी लो हो रहा था काफी, उन्होंने खुश कर दिया, कह रहे दवाई बहुत कम कर दी है। क्या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर कहता है। हाँ, ये कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने उससे पूछा, मैंने उसको बोला था ना कि यहाँ डिब्बा ले सकते हैं जो हम लेते हैं प्रोटीन, वे प्रोटीन लेते हैं ना, जो हम कह रहे नहीं वो खाने की जरूरत नहीं, कह रहा इतनी कोशिश मत करना, इतनी सेहत मत बनाओ, कह रहा आपके लिए हानिकारक है, हम जितनी मर्जी बना सकते हैं, जितना मर्जी जितना ज्यादा बॉडी बिल्ड, कहता अंडे खाया करो, हम तो वेजिटेरियन है। तो ये सोच रहे कोई बात नहीं, आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना ज्यादा हैवी बॉडी वेट होता है, हैवी होता है उसका, उतना ज्यादा उसको संभालना मुश्किल होता है ना, इसीलिए। तो हम तो जवान है अभी काफी, पापा भी जवान है लेकिन इतने नहीं। उठाओ फोन, उठाओ किसका। अब हम घर जा रहे हैं वापिस, रास्ते में पुराने गाने सुनते हुए जा रहे हैं।
हाँ जी भाई लोग, रात के बज चुके हैं 10 के करीब और मैं अभी जिम से निकला हूँ। आज काफी लेट हो गया था, अभी जिम से निकला हूँ और सामने शॉप है, पनीर लेके आया हूँ। मैं जिम के बाद वे प्रोटीन कभी बहुत रेयरली लेता हूँ, और वैसे तो मैं यही सब पनीर, सोया पनीर, ऐसी चीजें खाने को प्रेफर करता हूँ जिससे प्रोटीन मेरे को मिल जाए। वे प्रोटीन लेता हूँ जब मुझे कोई गोल अचीव करना होता है। तो होपफुली आपको आज का व्लॉग काफी अच्छा लगा होगा। मेरे को थोड़ा सांस चल रहा है क्योंकि अभी निकला हूँ, हैवी वर्कआउट किया चेस्ट का, ऑब्वियसली बात है। थोड़ा वर्कआउट के बाद 10 मिनट तो सांस चढ़ता ही है बंदे को, दौड़ होने में टाइम लगता है। सो होपफुली आपको आज का व्लॉग काफी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, हरे कृष्णा एवरीबॉडी।